हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हेयर आनंद से नर्सिंग फाइल। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नर्सिंग केयर प्लान दैट इज ब्रेस्ट एब्सेस, एंड थ्रू दिस वीडियो यू लर्न दिस केयर प्लान वेरी इजीली, एंड दिस वीडियो हेल्प्स यू टू राइट द नर्सिंग केयर प्लान इन एग्जामिनेशन वर्क पर्पज और फॉर द असाइनमेंट वर्क पर्पज। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में ब्रेस्ट एब्सेस का नर्सिंग केयर प्लान यहाँ देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन ब्रेस्ट एब्सेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो, नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग केयर प्लान स्टेप्स और नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यूज करते हैं, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्यूशन। तो ये सारे स्टेप्स हम यूज करते हैं नर्सिंग केयर प्लान के अंदर। नर्सिंग केयर प्लान से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं अबाउट ब्रेस्ट एब्सेस के बारे में, ब्रेस्ट एब्सेस क्या होता है, देन नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पर ब्रेस्ट एब्सेस। हियर ब्रेस्ट एब्सेस इज ए लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस इन द ब्रेस्ट टिश्यू। इट इज यूजली कॉज्ड बाई द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसा कि आप सभी जानते हो, एब्सेस मीन्स होता है पस फॉर्मेशन, और ब्रेस्ट एब्सेस मीन्स ब्रेस्ट में पस फॉर्मेशन, जो किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या और किसी कॉज के कारण हो सकता है। नेक्स्ट, ए ब्रेस्ट एब्सेस इज ए पेनफुल कलेक्शन ऑफ पस दैट फॉर्म इन द ब्रेस्ट। मोस्ट एब्सेस डेवलप जस्ट अंडर द स्किन एंड आर कॉज्ड बाई ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ब्रेस्ट एब्सेस कॉमनली हैपन एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस इज ए कंडीशन दैट कॉजेज ब्रेस्ट पेन एंड स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन। तो ब्रेस्ट में पस फॉर्मेशन का मेन कारण मैस्टाइटिस जो सामान्यतः पाया जाता है। इसके साथ साथ और भी कई कारण हो सकते हैं जो ब्रेस्ट एब्सेस को कॉज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स मीन्स हेयर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट एब्सेस। द साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट एब्सेस और टेंडर स्वेलिंग और लंप इन एरिया ऑफ द ब्रेस्ट, पेन इन द अफेक्टेड ब्रेस्ट, रेडनेस, बार्म स्वेलिंग एंड टेंडरनेस इन द एरिया ऑफ द ब्रेस्ट, फीवर, मसल एक एंड फीलिंग जनरली अनवेल। दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स। ऑन द बेसिस ऑफ दीज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स वी राइट द नर्सिंग केयर प्लान। तो वीडियो में हमने यहाँ पर टोटल 5 नर्सिंग केयर प्लान बनाए ब्रेस्ट एब्सेस के। तो सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट, एब्सेस फॉर्मेशन हो गया। पर फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट विद सब्जेक्टिव डाटा। मीन्स जो हम पेशेंट से पूछेंगे, पेशेंट से इज अबाउट ब्रेस्ट पेन, डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव डाटा असेस फॉर ब्रेस्ट एब्सेस सिम्टम्स, परसिस्टेंट फीवर, पास ड्रेनिंग फॉर फ्रॉम ब्रेस्ट, ब्रेस्ट टेंडरनेस। तो ब्रेस्ट एब्सेस के जो भी सिम्टम्स हैं उनको देखेंगे कि पेन हो रहा है, फीवर है, पास ड्रेन है, टेंडर है, स्वेलिंग है, इस तरह से। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा वी राइट द नर्सिंग डायग्नोसिस। या नर्सिंग डायग्नोसिस होगा एब्सेस फॉर्मेशन इन द ब्रेस्ट रिलेटेड टू इन्फेक्शन एंड क्रैक्ड निपल। ये नर्सिंग डायग्नोसिस गोल होगा यहाँ पर, टू प्रिवेंट एब्सेस, ब्रेस्ट एब्सेस, ये हमारा गोल होगा। प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं, देन होगा रेशनल मीन्स जो हम इंटरवेंशन पेशेंट को देने जा रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है, एंड इम्प्लीमेंटेशन मीन्स जो हमने इंटरवेंशन तैयार किया है या देने जा रहे हैं उसको एक्शन में लाना है, मीन्स उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो फर्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन होगा एनकरेज कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। रेशनल होगा ब्रेस्ट फीडिंग एक्चुअली हेल्प क्लियर द इन्फेक्शन। इम्प्लीमेंटेशन होगा एनकरेज फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। नंबर सेकेंड, मसाजिंग द ब्रेस्ट वाइल ब्रेस्ट फीडिंग और पंपिंग फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया डाउन टुवर्ड द निपल। रेशनल होगा टू हेल्प एम्प्टिंग द मिल्क डग। डायरेक्शनल इम्प्लीमेंटेशन होगा ब्रेस्ट मसाज इज कम्प्लीटेड वाइल ब्रेस्ट फीडिंग और पंपिंग। नंबर थर्ड, मेकिंग श्योर मदर दैट ब्रेस्ट ड्रेन कम्प्लीटली ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। रेशनल होगा फॉर एम्प्टिंग द मिल्क एंड क्लियर द इन्फेक्शन। इम्प्लीमेंटेशन लिखना ब्रेस्ट इन कम्प्लीट। नंबर फोर्थ देखते हैं, अप्लाई बार्म एंड मॉइस्ट हीट टू द ब्रेस्ट बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग और पंपिंग मिल्क। रेशनल होगा हेल्प इन मिल्क एम्प्टिंग एंड
रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लेमेशन। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है बार में मोस्ट हिट अप्लाइड। नंबर फिफ्थ, एडवाइज द मदर ब्रेस्ट फीडिंग ऑन द अफेक्टेड साइड फर्स्ट। इस लोग इन फर्स्ट फीडिंग इन्फेंट इज हंग्रियर एंड सकिंग मोर स्ट्रांगली। इम्प्लीमेंटेशन लिखना एडवाइज गिवन टू मदर। नंबर सिक्स, एनकरेज फॉर ब्रेस्ट पंपेशन होगा टू मेंटेन और इंक्रीज ए वोमेंस मिल्क सप्लाई रिलीव एनकॉर्ज ब्रेस्ट एंड प्लस मिल्क डक्ट। इम्प्लीमेंटेशन लिखना एनकरेज फॉर ब्रेस्ट पम्प। नंबर सेवन, एडमिनिस्टर एनालिसिस एंटीबायोटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एज प्रेस्क्राइब रेशन होगा टू ट्रीट पेन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लमेशन। इम्प्लीमेंटेशन लिखना मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड। आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइट द एवेल्यूशन स्टेप्स ऑफ दिस केयर प्लान। तो देखते हैं फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान का एवेल्यूशन। तो एवेल्यूशन लिखना है ब्रेस्ट एब्सेस प्रिवेंटेड। जो हमारा गोल था टू प्रिवेंट ब्रेस्ट एब्सेस, वो हमने अचीव किया बाय डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए। तो इस तरह से केयर प्लान नंबर फर्स्ट को यहाँ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड फॉर ब्रेस्ट एब्सेस। केयर प्लान नंबर सेकंड होगा यहाँ पर अक्यूट पेन। तो देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट वर्बलाइज अबाउट पेन एंड ऑब्जेक्टिव डाटा हियर असेस पेन ऑन स्केल पेन स्केल 0 to 10 स्केल गार्डिंग अफेक्टेड ब्रेस्ट। आफ्टर राइटिंग दीज डाटा वी राइट द नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस होगा यहाँ पर अक्यूट पेन रिलेटेड टू ब्रेस्ट एब्सेस एंड टेंडरनेस। गोल होगा टू रिलीव पेन। प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट असेस द वाइटल साइन। इस लोग टू प्रोवाइड बेसलाइन इन्फॉर्मेशन फॉर इंटरवेंशन। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है वाइटल साइन असेस। नंबर सेकेंड, आस्क द मदर टू रिपोजिशन आर सेल्फ इन ए मोर कम्फर्टेबल पोजिशन। इस लोग टू प्रमोट कम्फर्ट और इम्प्लीमेंटेशन लिखना है कम्फर्टेबल पोजिशन गिवन। नंबर थर्ड, अप्लाई बार्म कंप्रेस ऑन अफेक्टेड ब्रेस्ट। इस लोग टू रिड्यूस इन्फ्लमेशन एंड पेन। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है बार्म कंप्रेस अप्लाई। नंबर फोर्थ, एनकरेज फॉर डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक। रेस्ट लोगा फॉर नॉन फार्मेकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है एनकरेज फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नंबर फिफ्थ लिखना है एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एज प्रिस्क्राइब। रेस्ट लोग रेस्ट नंबर लिखना है यहाँ पर टू रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लेमेशन। इम्प्लीमेंटेशन होगा मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड। After writing these interventions for this care plan, we write here the evaluation steps. तो देखते हैं care plan number second का evaluation. तो evaluation में लिखना है now pain is relieved. Means हमारा goal था to relieve pain, वो हमने achieve किया है by different interventions जो हमने patient को provide किए हैं. तो इस तरह से care plan number second को complete करते हैं. Number third देखते हैं यहाँ पर nursing care plan होगा hyperthermia. देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट सेज दैट आई एम फीलिंग वार्म। ऑब्जेक्टिव डाटा असेस द वाइटल साइन दैट इज टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग वीक पल्स एंड फ्लस्ड स्किन। आफ्टर राइटिंग दिस डाटा वी राइट द नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस होगा हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू ब्रेस्ट इन्फेक्शन। गोल होगा टू रिड्यूस फीवर। इंटरवेंशन लिखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन होगा असेस द वाइटल साइन एटलीस्ट एवरी 4 आवर। इस लोग मॉनिटर इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है वाइटल साइन असेस। नंबर सेकेंड, प्रोवाइड काम एंड कूल एनवायरमेंट। इस लोग टू रिड्यूस हेडेक एंड मेंटेन टेम्परेचर रेशनल सॉरी इम्प्लीमेंटेशन होगा काम एंड कूल एनवायरमेंट प्रोवाइडेड। नंबर थर्ड, प्रोवाइड टेपिड स्पंज बाथ। इस लोग टू फैसिलिटेट द बॉडी इन कूलिंग डाउन एंड इम्प्लीमेंटेशन लिखना है टाइपेड स्पंज बाथ के बाद। नंबर फोर्थ, प्रोवाइड सेमी फाउलर पोजिशन। इस लोग इम्प्रूव द एक्सपेंशन ऑफ द लंग एंड फैसिलिटेट ब्रीथिंग। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है सेमी फाउलर पोजिशन के बाद। नंबर फिफ्थ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक एंड एंटीपायरेटिक्स। रेजिस्टल होगा एंटीपायरेटिक टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड एंटीपायरेटिक्स टू रिड्यूस फीवर। इम्प्लीमेंटेशन होगा मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड एज प्रिस्क्राइब। आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशन वी राइट द एवेल्यूशन स्टेप्स। तो देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर थर्ड का एवेल्यूशन।
एवेल्यूशन लिखने पर फीवर रिड्यूस मीन्स जो हमारा गोल था टू रिड्यूस फीवर वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो पेशेंट को प्रोवाइड किए। तो इस तरह से केयर प्लान नंबर थर्ड को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर फोर्थ। केयर प्लान नंबर फोर्थ के ऊपर रिस्क फॉर इनफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में, नर्सिंग असेसमेंट में देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में लिखते हैं नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस मीन्स किसी भी तरह का साइन सिम्टम अपेयर नहीं है, केवल रिस्क है। ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है असेस द मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग पैटर्न। ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में लिखना है रिस्क फॉर इनफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड टू पेन एंड इन्फ्लामेशन। गोल हो गया पर टू मेंटेन इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग। प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं। फर्स्ट असेस मदर्स नॉलेज अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग रिस्क होगा सॉरी टू एक्सप्लोर द मदर्स नॉलेज इंप्लीमेंट सिम लिखना असेस द मदर्स नॉलेज। नंबर सेकंड अप्लाई बार्म कंप्रेस ऑन अफेक्टेड ब्रेस्ट एवरी 2 to 4 आवर रिस्क होगा टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड रिलीफ पेन। इंप्लीमेंटेशन में लिखना है वार्म कंप्रेस अप्लाई। नंबर थर्ड एनकरेज फॉर ब्रेस्ट मसाज रेशन होगा टू हेल्प एम्प्टी द मिल्क डक्ट। इम्प्लीमेंटेशन में लिखना एनकरेज फॉर ब्रेस्ट मसाज। नंबर फोर्थ में ऑब्जर्व मदर वैन ब्रेस्ट फीडिंग रेशन होगा टू असेस लैसिंग प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड रियलिस्टिक सॉल्यूशन। इम्प्लीमेंटेशन में लिखना है ऑब्जर्व ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। नंबर फिफ्थ असिस्ट मदर ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग रेशन होगा टू इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है मदर असिस्टेड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। नंबर सिक्स एडवाइज मदर टू ब्रेस्ट फीडिंग ऑन द अफेक्टेड साइड फर्स्ट रिस्क होगा इनफैक्ट टेंड टू सक स्ट्रॉन्गली वैन हंग्री। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है मदर एडवाइज। नंबर सेवन एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब रिस्क होगा टू ट्रीट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड। आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशन वी राइट द एवेल्यूशन स्टेप्स। तो देखते हैं केयर प्लान नंबर फोर्थ का एवेल्यूशन। एवेल्यूशन लिखना है पर नाउ मदर परफॉर्म इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग। टू मेंटेन इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने मदर को प्रोवाइड किया। तो इस तरह से केयर प्लान नंबर फोर्थ को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर फिफ्थ। केयर प्लान नंबर फिफ्थ हो गया अल्ट्रेशन इन गफॉर्ड जिसमें देखते हैं नर्सिंग असिस्टेंट सब्जेक्टिव डाटा मदर सेज दैट आई एम फीलिंग डिसकम्फर्ट एंड ऑब्जेक्टिव डाटा एयर रैपिड ब्रीथिंग इरिटेबिलिटी रेस्टलेसनेस एग्जॉस्टन। नर्सिंग डायग्नोस हो गया पर अल्ट्रेशन इन कम्फर्ट रिलेटेड टू पेन एंड स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट टू रिलीव डिसकम्फर्ट। इंटरवेंशन होगा फर्स्ट असेस जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट रेशन होगा प्रोवाइड बेसलाइन डाटा फॉर इंटरवेंशन। इम्प्लीमेंटेशन होगा जनरल कंडीशन असेस। नंबर सेकंड प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू मदर रेशन होगा टू प्रमोट कंफर्ट। इम्प्लीमेंटेशन लिख रहे हैं कंफर्टेबल पोजीशन गिवन। नंबर थर्ड एडजस्ट रूम टेम्परेचर रेशन होगा रेगुलेट टेम्परेचर टू प्रोवाइड कंफर्ट। इम्प्लीमेंटेशन लिख रहे हैं रूम टेम्परेचर एडजस्टेड। नंबर फोर्थ रिमूव एक्सेस क्लोथिंग ब्लैंकेट एंड लिनन रेशन होगा टू एडजस्ट द बॉडी टेम्परेचर। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है एक्सेसिव क्लोथिंग रिमूव। नंबर फिफ्थ ऑफरिंग कूलिंग ब्लैंकेट टू द पेशेंट रेशन होगा टू फैसिलिटेट द बॉडी इन कूलिंग डाउन। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है कूलिंग ब्लैंकेट ऑफर्ड। नंबर सिक्स में लिखना है एडवाइज मदर टू अवॉइड टू टाइट ब्रा एंड क्लोथिंग रेशन होगा टू प्रोवाइड कम्फर्ट। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है एडवाइज गिवन टू मदर। नंबर सेवन में लिखना है असिस्ट मदर ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग रेशन होगा टू इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है मदर असिस्टेड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशन वी राइट द एवेल्यूशन स्टेप्स। देखते हैं केयर प्लान नंबर फिफ्थ का एवेल्यूशन। तो एवेल्यूशन लिखना है नाउ मदर फील कम्फर्ट मीन्स जो वर्क होल्ड टू रिलीव डिसकम्फर्ट हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ब्रेस्ट एब्सेस का केयर प्लान नंबर फिफ्थ कंप्लीट किया है। और ये थे हमारे ब्रेस्ट एब्सेस के नर्सिंग केयर प्लान्स जिसमें हमने वीडियो में टोटल 5 नर्सिंग केयर प्लान यहाँ लर्न किए हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अनंत नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।